मॉस्क, सुल्तान अहमद मॉस्क, सुल्तान अहमद जामी, ग्रैंड मॉस्क ऑफ इस्तांबुल, सारे नाम इसी मस्जिद के हैं। लेकिन इस मस्जिद के अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैंने आप लोगों को अंदर के कुछ विजुअल्स दिखाए हैं, लेकिन तामीराती काम की वजह से कुछ हिस्सा मस्जिद का बंद था और सिर्फ नमाज के औकात के अंदर वो ओपन किया गया था। तो जिसमें काम हो रहा है जीनत और आराइश के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है 24/7 यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो इनको मौका नहीं मिलता होगा, तो ये ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ही कंटिन्यू रखते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। रेनोवेशन होनी चाहिए ताकि चीज़ की जो कि एक साख्त है वो बरकरार रहे और हर चीज़ वैसी ही नज़र आए जैसी वो आज है, आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद उसी तरह की नज़र। आया सोफिया, पहुंच गया मैं, लेकिन बहुत लंबी लाइन है और अंदर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसको नहीं स्किप करने वाला मैं, आई कैन नॉट स्किप इट। जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या है। इसके अलावा कुछ यादगार मुझे दिख रही हैं सामने, तो मैं जाकर आपको उसका क्लोज़अप देता हूँ। ये तीन यादगार इन्होंने यहाँ पर रखी हैं। एक है वो जो कि एंशेंट दौर की है। अगर आपको याद होगा मेरा जो इजिप्ट का टूर था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये बकायदा एक ज़बान है जिसमें उन्होंने या तो अकाउंट्स या तो कुछ समझाने के लिए लिखा होता है। ये बकायदा एक ज़बान है जो कि होती इमेजेस के थ्रू, जिसमें वो परिंदे, बर्ड्स, आँखें, ये सब चीज़ें बनाते हैं। इसके साथ ये छोटा सा ब्रोकन ब्रोंजे टावर है, ठीक है, ये भी सुल्तान और उसके बच्चों की यादगार में से है, क्योंकि स्टडी किया करते थे वो इसके साथ। और यह है एक वॉल्ड टावर जो 14th और जो कि 5th और 6th सेंचुरी के अंदर तामीर शुदा है, जो कि बहुत कदीम है, बहुत ज़्यादा कदीम है। अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसकी बुनियादों के ऊपर। गाइस, हाया सोफिया के अंदर हूँ। ये एक वक्त में क्रिश्चियन ब्रादरी की बहुत बड़ी जो है वो मुकद्दस जगह समझी जाती थी, जो कि अब मस्जिद है, और इसीलिए इसके अंदर आपको कुछ मस्जिद में यानी कि जो अरबी वगैरह भी नज़र आएगी, और जो क्रिश्चियंस जो कि चर्च के अंदर जो डेकोरेशन और जो कुछ लिखावट होती है वो भी आपको नज़र आ रही होगी इसके अंदर। मैं इस वक्त सुल्तान तोप कैप्सी म्यूज़ियम के अंदर अवेलेबल हूँ, और यहाँ पर जाने का ख़ास मकसद है, क्योंकि यहाँ पर जो कि जितने भी सुल्तान गुज़रे हैं और जितने भी गाजी और जितने भी इनके बादशाह यहाँ गुज़रे ओटोमन एम्पायर के, उनकी सारी बाकियात चीज़ें यहाँ मौजूद हैं।
हैं, दरबार और सारी चीज़ें। इसके अलावा जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस्तेमाल में चीज़ें थी, तलवार, कुर्ता, इमामा और मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो वो जिस वक्त ओटोमन एम्पायर ने सऊदीया पे राज किया था, जिस वक्त उन्होंने हुकूमत की थी, उस वक्त वो ये जितने मुकद्दस चीज़ें थी वो लेकर आए। हो सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, जो बाल मुबारक है, उसकी ज़्यारत हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर मैंने ये सुना है अभी बाहर के अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, कोशिश करूँगा कि वीडियो बन सके, वरना मेरी तरफ़ से बहुत माजरत। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अगर पॉसिबल रहा तो। सुल्तान तोप कैप्सी म्यूज़ियम। अच्छा, टिकट के लिए बताते चलो, आप मेरे पीछे से लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है टिकट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो इस तरह से इसके क्योस लगे हैं अंदर की तरफ चार पांच, तो वहाँ अपना क्रेडिट कार्ड डाल के उसकी पेमेंट कर सकते हैं। और इसकी टिकट है 420, यानी लिखा हुआ था सिर्फ हरम का डिफरेंस है। एक थी 320 जिसके अंदर हरम में नहीं जा सकते थे, और एक थी 420 जिसके अंदर हरम में जा सकते। तो मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ, अगर मैं अगर नहीं जाने दिया क्या पता, हरम का मुताबिक अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ें हैं और जो सारी ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी ज़्यारत है, तो इसीलिए मैंने सोचा पूरा पैकेज लूँ, तो मैंने 420 में पूरा पैकेज लिया। ये इम्पीरियल कौंसल है जिसे उस ज़माने के अंदर हरम कहा जाता था, तो यहाँ पर ही बैठक होती थी, मामलात होते थे, और कई सल्तनत उस्मानिया के मामलात यहाँ से तय पाए गए। तो ये वो जगह थी।